अमित, यस सर। कविता शुरू करते हैं। वेव ऑप्टिक्स। ओके सर। दोनों मिलके कम से कम 30 नंबर का वेटेज है बेटा। एक्चुअल में यहां जो कंडीशन है रे और वेव, तो रे का कंपोजिशन क्या है, एक्चुअल में रे क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां आई। मैंने कहा था कि एक कॉर्पस्कुलर थ्योरी है, कॉर्पस्कुलर थ्योरी के अकॉर्डिंग रे इज द सक्सेसिव पाथ ऑफ द वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स। जितने भी पार्टिकल्स बेटा वाइब्रेट करते हैं उनका एक सक्सेसिव पाथ है। रे इज द कंपोजिशन ऑफ द पार्टिकल्स। सन से जो भी रेडिएशन निकलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलते हैं, उनका एक कंपोजिशन है। और इस थ्योरी पर बेस्ड और उसमें कहा गया कि इसकी फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, पूरी वेव ऑप्टिक्स में वही फिनोमेनन थी। अब बात आती है कि रे एक्चुअल में बनी कैसे। रे एक्चुअली एक कंपोजिशन ऑफ द वेव होता है, वेव्स। दैट मींस रे इज द वेव फ्रंट। कोई भी पर्टिकुलर इमेज, जैसे मैंने आपसे बात की थी कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हम बस ऐसे ही पढ़ देते हैं, तो इनका प्रूफ कहां से आएगा? कैसे प्रूव करूं मैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन या लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को? यदि मैं कॉर्पस्कुलर थ्योरी के अकॉर्डिंग चलता हूं तो मैं कभी भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को प्रूव नहीं कर सकता। उसके थोड़े से टाइम बाद जो है एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था ह्यूजेंस। ह्यूजेंस ने एक थ्योरी दी और उसका मानना था कि जितने भी एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स होते हैं वो आइडेंटिकल है या डिफरेंट है, वो ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी रे के प्रोपेगेशन के लिए। और उसने रे ऑफ लाइट ना कहके उसे नाम दिया वेव फ्रंट। फ्रंट आपका घर है, जितना पोर्शन आपको दिखता है दैट इज द फ्रंट। आप खड़े हो, ये फ्रंट साइड है, एक बैक साइड है, एक साइड व्यू है, एक ये लेफ्ट साइड व्यू है, तो वेव फ्रंट नाम रखा इसने। और फ्रंट डिपेंड्स अपॉन द शेप ऑफ द पार्टिकल और द रीजन। जैसे आप गाड़ी की, चाहे स्कूटी है, बाइक है, कार है, ट्रक है, उनकी हेडलाइट्स को देखो। कुछ गाड़ी की हेडलाइट, जैसे बुलेट है, उसकी हेडलाइट क्या होती है, बिल्कुल सर्कुलर होती है। कुछ बाइक्स हैं जिनकी रेक्टेंगुलर होती है, बसेज हैं उनकी रेक्टेंगुलर होती है। आजकल गाड़ी की कोई पर्टिकुलर शेप ही नहीं है, जैसे स्विफ्ट है उसकी अलग शेप होती है। तो शेप ऑफ द वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स ऑफ द रीजन डिसाइड्स द वेव फ्रंट, कि किस शेप का वेव फ्रंट होगा। तो यदि मैं वेव फ्रंट की बात करूं तो यहां पर वेव, जब हम शुरू में 11th क्लास में वेव की बात करते थे तो वेव क्या था, द डिस्टरबेंस इन ए मीडियम ड्यू टू द ऑसिलेशन और वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स इज नोन एज वेव। तो आप कहेंगे सर वेव तो वहां भी पड़ी थी और हमने तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी पढ़ी थी। बेटा जी वो बिल्कुल बात सही है, दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द ईएम वेव, बट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कॉस्मिक रेज इन विच इंफ्रारेड, विजिबल और अल्ट्रावायलेट, दीज आर द लाइट वेव्स। हाउ टू जनरेट दीज वेव्स, द सोर्स
source of the wave is the vibration or oscillation of the particle. उन पार्टिकल को ऑसिलेट कौन करेगा? सन के अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्या होते रहते हैं? ऑसिलेट होते रहते हैं। वहां से जो सराउंडिंग पार्टिकल्स होते हैं वो एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, एंड बाय द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी यहां तक रे पहुंचती। तो यहां पर बेटा रे का नाम नहीं लेंगे हम रे की जगह यूज करते हैं वेव फ्रंट। What is the wave front? The continuous locus of all vibrating particles of a medium with the speed of light. किसी भी मीडियम में जब पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे होते हैं स्पीड ऑफ लाइट से, तो उनका जो एक लोकस पॉइंट होता है, लोकस दैट इज द इक्विडिस्टेंस पॉइंट, जैसे एक सर्कल है, सर्कल का जो सेंटर होगा वो लोकस पॉइंट होगा। सर्कल के बाउंड्री पर जितने भी पार्टिकल्स हैं, सेंटर की डिस्टेंस वहां से सबकी डिस्टेंस बिल्कुल सेम रहेगी और उसे हम लोकस पॉइंट कहते हैं। लोकस पॉइंट दैट इज द सोर्स पॉइंट, सोर्स से जहां से एनर्जी रिलीज होना शुरू होती है। तो द कंटिन्यूअस लोकस मतलब लोकस भी ऐसा जो हमेशा वाइब्रेशन या ऑसिलेशन करता रहे। द कंटिन्यूअस लोकस ऑफ ऑल वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स ऑफ ए मीडियम विद स्पीड ऑफ लाइट इज नोन एज वेव फ्रंट। आप एक बाल्टी लो या टब लो, उसके अंदर पानी भर लो, और जब वाटर बिल्कुल स्टैटिक सिचुएशन में आ जाता है, एक पेन या कोई लकड़ी लेके उसके सेंटर पॉइंट पर टच करो, फिर उठा लो, टच करो, फिर उठा लो, टच करो, फिर उठा लो, आप देखेंगे उसके अंदर प्रोब्स जनरेट हो जाती है, आपको सर्कुलर रिंग्स नजर आने लगती है जो कि इनविजिबल है। केवल जिस बच्चे को बताया कि ये सर्कुलर आर्क है, कुछ महसूस कर रहा है, वो देखने भी पता लगेगा। तो जो सर्कुलर रिंग्स हैं, तो एक कंटिन्यूअस लोकस वो हुआ जहां पर आप बार बार किसी स्टिक को या पेन को बार बार टच करके ऊपर उठा लेते हो, फिर टच करके ऊपर उठा लेते हो, जितनी बार टच करोगे वहां से इनर्जी रिडिस्ट्रीब्यूशन से उसके चारों तरफ सर्कुलर रिंग्स बनना शुरू हो जाती है, और वाइब्रेशन से उसके चारों तरफ क्या होगा, वेव जनरेट हो जाती है। तो उस सेंटर पॉइंट को जहां पर मैं पेन या स्टिक से उन्हें टच कर रहा था, उसे मैं क्या नाम देता हूं, लोकस। दैट इज द वेव फ्रंट, दैट इज द कंटिन्यूअस लोकस, लगातार चेंज करता रहे। आप कभी लेक वगैरह में गए हो या पानी भरा कहीं भरा हुआ है, आप एक पत्थर उठा के यूं फेंक दो तो उसके चारों तरफ, पत्थर के चारों तरफ वेव जनरेट होती चली जाती है दूर, पर उन्हें रोका नहीं जा सकता। यदि कोई वॉल आ गई है तो वॉल के आने से वो वेव वहां तो रुक जाएगी, पर उसकी साइड से वेव आके आगे तक जाएगी, और कितनी भी बड़ी रेंज है वो वहां तक जाएगा। ऐसा केवल एग्जांपल वाटर को, इसलिए वाटर को कंसीडर किया मैंने क्योंकि आप इसे करके देख सकते हो। हम जब अपने बहुत सराउंडिंग स्पेस को कंसिडर करते हैं, जहां पर सन है, सन इज द लोकस, उसके चारों तरफ जितने भी पार्टिकल्स हैं उन्हें सबको वो एनर्जी ट्रांसफर करता है। एक रिंग बनी, उसने आगे को एनर्जी दे दी, दूसरी रिंग बनी, फिर आगे एनर्जी दे दी, तीसरी रिंग बनी, इस तरह से रिंग्स बनती हुई चली जाती है। और वो बेटा वेव फ्रंट होती है। वेव फ्रंट तीन तरह के होते हैं, एक होता है स्फेरिकल वेव फ्रंट, when the center locus or the source is a point। अभी दीपावली आ रही है, जब कोई छोटा सा बम या अनार या कुछ ऐसा जब एक्सप्लोड होता है तो उसके चारों तरफ से रेंज निकल के जाती है। एक छोटा सा इलेक्ट्रिक बल्ब और उसे जब ऑन करेंगे उसके चारों तरफ से लाइट निकल के आएगी। तो जब पॉइंट सोर्स होगा कोई भी लोकस, तो उसे क्या बनाएगा, वो स्फेरिकल वेव फ्रंट, स्फीयर जनरेट करेगा।
यदि लीनियर सोर्स है, लीनियर सोर्स है तो वो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट जनरेट करेगा, सिलेंडर। और तीसरा बेटा एक होता है, यदि कोई सोर्स इंफिनिटी पर है या वो लीनियर सोर्स है तो वो जनरेट करता है प्लेन वेव फ्रंट। कैसे, देखो मैं एक सेकंड दिखाता हूं। ये स्केल है, ये स्केल है। अब इसी स्केल को मैं बहुत तेजी से ऐसे ऐसे घुमाने लगूं तो आपको एक आर्क दिख रही होगी। मैं यदि इसे बहुत यहां टाइटली पकड़ के रखूं और ये ऐसे कर दूं तो जब ये ऐसे से हिलता बहुत तेजी से तो इसने पार्टिकल्स को ओसिलेट कर दिया और आपके सामने कौन सा बना देगा ऐसे, ये आपको स्केल नहीं दिखेगा, केवल क्या दिखेगा, तो जो पार्टिकल है उन्हें वाइब्रेट कर रहा है। इसे मैं लोकस पॉइंट कहूंगा या सोर्स पॉइंट कहूंगा। तो मेन बेटा इस चैप्टर में सबसे पहला कॉन्सेप्ट होता है लोकस, या यूं कहूं कि वेव फ्रंट। यदि आप वेव फ्रंट समझ जाते हैं तो उसके बाद ह्यूजेंस प्रिंसिपल, और आफ्टर द ह्यूजेंस प्रिंसिपल आप प्रूव कर सकते हो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। आज तक 22 साल हो गए मुझे देखते हुए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का प्रूफ या लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का प्रूफ हमेशा आता है, कोई साल ऐसा नहीं गया। क्वेश्चन आता है राइट द ह्यूजेंस प्रिंसिपल एंड स्टेट एंड प्रूव स्नेल्स लॉ या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और वो बेटा मैं तभी कर सकता हूं जब पहले मुझे वेव फ्रंट पता हो, दूसरा ह्यूजेंस प्रिंसिपल। इट इज द एक्चुअल मैकेनिज्म ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ द वेव्स। तो बेटा जब मैं वेव ऑप्टिक्स शुरू करता हूं तो सबसे पहला जो मेरा टॉपिक है उसे कहता हूं मैं वेव फ्रंट। तो देखो, तो पहला टॉपिक है बेटा वेव फ्रंट। द कंटीन्यूअस लोकस of all the vibrating, all the vibrating particles in medium with speed of light is known as wave front. There are three types of wave front. तीन तरह का बेटा wave front होता है। फर्स्ट बेटा स्फेरिकल वेव फ्रंट, और इसे लिखते हैं SWF। व्हेन सोर्स ऑफ द वेव और कंटिन्यूअस लोकस इज अ पॉइंट इन बिटवीन ऑल द पार्टिकल्स इन मीडियम वाइब्रेटिंग with speed of light, is known as SWF, spherical wavefront. एक बेटा मेरे पास point source था ये, और इसके surrounding
यहां से बेटा एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता है इस तरह से, इसे कहते हैं बेटा SWF, स्फेरिकल वेव फ्रंट। इट इज द कॉन्टिन्यूस लोकस। एक स्पेस में एक पॉइंट सोर्स है, वो जब वाइब्रेट करेगा तो उसके चारों तरफ ऐसे ऐसे एनर्जी चलेगी और वो बहुत सारे स्पीयर्स बनाना शुरू करेगा, तो उसे बेटा मैं क्या कहता हूं, स्फेरिकल वेव फ्रंट। जैसे मैंने कहा था पानी भरा हुआ बाल्टी में या टब में, और आप जब एक से टच करते हो तो हेमी स्फेरिकल बनाता है, तो ऊपर की तरफ के मीडियम तो आपको दिखेंगे नहीं, पर वॉटर के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें बेटा परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन होता है। जब आप उसे एनर्जी ट्रांसफर करते हैं तो वो एनर्जी उससे आगे वालों को एनर्जी ट्रांसफर करता है, वो उससे आगे वालों को एनर्जी ट्रांसफर करता है, तो उससे एक स्फीयर की जनरेट हो जाता है जिसे मैं नाम देता हूं स्फेरिकल वेव फ्रंट। दूसरा होता है बेटा लीनियर या सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। अंजलि, अंजलि, यस सर। वेव फ्रंट में बेटा कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, नहीं समझ आएगा मैं दोबारा बताऊं या तीन बार बताऊं, यदि वेव फ्रंट नहीं समझ आया तो बात करो, स्फेरिकल वेव फ्रंट नहीं समझ आया तो बात करो बेटा। सर आ गया ये। गुनगुन, यस सर। कोई प्रॉब्लम बेटा? सर नहीं। तो बेटा देखो दूसरा आता है बेटा। सर हाँ बेटा। सर स्फेरिकल वाला दोबारा समझा दो। स्फेरिकल का मतलब बेटा क्या है, स्फीयर कैसे बनता है बेटा, थ्री डायमेंशनल कॉन्फ़िगरेशन होती है, और ये वेव फ्रंट बेटा वाइब्रेटिंग पार्टिकल से होता है कि पार्टिकल का एक्चुअल में शेप क्या था या उसका साइज क्या था, वो डिसाइड करेगा कि किस तरह की वेव फ्रंट है। तो जब स्पेस में बेटा कोई पॉइंट है और वो वाइब्रेट कर रहा है अपनी जगह, तो उसके चारों तरफ के पार्टिकल जब बेटा वाइब्रेट करेंगे तो उससे एक स्फीयर जनरेट हो जाता है। तो बेटा बोर्ड पे तो स्फीयर ऐसे ही बनता है ना, तो इसके चारों पार्टिकल यहाँ था, इधर था, इधर था, उसके चारों तरफ वाले वाइब्रेट करते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, स्फेरिकल वेव फ्रंट। बेटा अनुष्का, यस सर आ गया। अब बेटा दूसरी बात आती है यहां पर सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। तो सिलेंडर कैसे बनेगा बेटा, या तो कोई लीनियर सोर्स है, लीनियर सोर्स, जैसे ये कोई लीनियर सोर्स है ये, और हाँ बोलो रोहित सर, अगर सर जैसे टब में अगर हम कोई स्फेरिकल शेप विदाउट शेप की निकलेंगी। बेटा तेरी आवाज कट रही है, मुझे क्लियर सुनाई नहीं दे रही बेटा, दोबारा बोल। क्या कर सकता हूँ आवाज? हाँ आप बोलो। सर पूछ रहा था मैं टब में, सर जैसे टब है कोई, उसमें अगर मैं क्यूबॉइडल शेप का कोई ऑब्जेक्ट रखता हूँ, हाँ। तो सर उसमें शेप से निकलेंगी वो कौन, मतलब किस प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट हो वो बेटा, प्लेन प्लेन वेव फ्रंट होगी। ओके सर। तो दूसरी बात आती है बेटा सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। When
सोर्स और कंटीन्यूअस लोकस, इधर लीनियर और सर्कुलर, ऑफ ऑल वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स of a medium with the speed of light. Is known as CWF, cylindrical wavefront. यदि बेटा मेरे पास कोई लीनियर सोर्स था ऐसे, और जब इसके चारों तरफ के पार्टिकल बेटा वाइब्रेट करेंगे, ये पार्टिकल बेटा जब चारों तरफ से वाइब्रेट करेंगे तो ये बनाएगा कैसा, सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट। ये होता सी डब्ल्यू एफ। तो ये तो एक लीनियर सोर्स था, इसकी जगह यदि मैं कोई सर्कुलर इस तरह की शेप लेता हूं और ये जब वाइब्रेट करेगा तो इससे रे बेटा बाहर निकलेंगी ऐसे, जैसे गाड़ी की हेडलाइट होती है बेटा, सर्कुलर टॉर्च होती है, तो उससे जब रे बाहर निकलेगी तो वो कैसा बनाएगा बेटा रोहित, कैसा बनेगा? टॉर्च से जब बेटा रे बाहर आती है तो वो किस तरह का फ्रंट जनरेट करता है? ब्रेवेस सर, सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल बेटा। तो यहां पर स्फेरिकल वेव फ्रंट ड्यू टू द पॉइंट सोर्स, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट के लिए या तो कोई लीनियर सोर्स होना चाहिए, जैसे ये है लीनियर बॉडी और मैं इसे पानी में ऐसे गिरा दूं, तो उसके चारों तरफ जो बेटा वाइब्रेशन जनरेट होगी वो एक सिलेंड्रिकल फॉर्म देगी, वो बेटा स्फेरिकल नहीं होगी, वो सर्कुलर नहीं होगी, या कोई सर्कल है जैसे कोई स्प्रिंग बनती है या सिलेंडर बनता है, तो वो बेटा सर्कल के तो कॉम्बिनेशन होते चले जाते हैं। आपके बेटियां हैं जैसे बैंगल्स पहनती हैं कभी कभी किसी फंक्शन में, एक बैंगल है, दो तीन चार दस बीस, ऐसे यदि बैंगल्स को जोड़ता हुआ जाऊं तो क्या बनेगा बेटा अंजलि, क्या बनेगा? अंजलि यस, सिलेंडर बनेगा, सिलेंडर बनेगा बेटा। और एक होता है बेटा तीसरा केस, उसे बेटा मैं नाम देता हूं क्या, प्लेन वेव फ्रंट। ये सबसे ज्यादा यूज करते हैं बेटा, प्लेन वेव फ्रंट। व्हेन कंटीन्यूअस लोकस और सोर्स ऑफ ऑल द वाइब्रेटिंग particles of medium with the speed of light is linear or any source at infinity, then wavefront is known as क्या बेटा, PWF, प्लेन वेवफ्रंट। कोई भी सोर्स इंफिनिटी पर है,
जैसे मैं कहूं सन से रेडिएशन अर्थ तक पहुंचते हैं, किसी स्टार से रेडिएशन अर्थ तक पहुंचते हैं, तो कौन सा वेवफ्रंट होगा? अनुष्का, प्लेन वेवफ्रंट। प्लेन वेवफ्रंट इन्फिनिटी पर किसी भी शेप का सोर्स है, और वहां से रेडिएशन यदि आप तक पहुंचते हैं तो वो बेटा हमेशा क्या दिखाएगा? प्लेन वेव फ्रंट। उसे मैं PWF कहूंगा, प्लेन वेव फ्रंट। अब बेटा ये तीन तरह के फ्रंट थे। स्फेरिकल वेव फ्रंट किससे बनता है बेटा? पॉइंट सोर्स से। लीनियर सोर्स से क्या बनता है? प्लेन वेव फ्रंट और द सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। सर्कुलर से सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, और एनी सोर्स एट इंफिनिटी क्या होगा बेटा? प्लेन वेव फ्रंट। अब यहां पर कभी क्वेश्चन आ जाते हैं कि एक शेप दे देगा कि ये स्फेरिकल वेव फ्रंट जनरेट करता है कि प्लेन वेव फ्रंट। जैसे क्वेश्चन किस तरह का होता है जरा देखो। तो ये तीन तरह के वेव फ्रंट है, पहले तो बेटा इन्हें ध्यान रखेंगे और फिर इस पर क्वेश्चन किस तरह का बनता है वो मैं बेटा देखो आपके सामने रखता हूं। PWF incident to the convex lens, name the wavefront produced. अंजलि बेटा ये एक कॉन्वेक्स लेंस था और कॉन्वेक्स लेंस पर मैंने प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट किया। ये कैसा है बेटा? ये प्लेन वेव फ्रंट। ब्रेविस ब्रेविस, यस सर। कौन सा वेव फ्रंट है बेटा ये? सर लीनियर। लीनियर क्या बेटा? इसे प्लेन कहते हैं, प्लेन वेव फ्रंट। कौन सा बेटा? PWF। और कॉन्वेक्स लेंस होता है बेटा कन्वर्जिंग, तो जो जितनी भी रेज है वो सब एक जगह बेटा इकट्ठा कर देगा। और तब बेटा इसे क्या कहेंगे हम? SWF। क्या होगा बेटा? स्फेरिकल वेव फ्रंट। Name the wavefront when a source is placed at the focus of concave lens. ये बेटा है concave lens है। और यहां पर बेटा एक लेंस रख दिया, सॉरी बल्ब रख दिया, तो यहां से बेटा रे ऐसे जाएंगी, यहां से रे ऐसे जाएंगी, तो ये तो बेटा डाइवर्ज कर देता। क्या करेगा बेटा? ये डाइवर्ज करेगा, क्योंकि जो प्लेन आएगी उन्हें कैसे डाइवर्ज कर देता है? जो यहां से प्लेन आएगी उन्हें ऐसे डाइवर्ज कर देता है। यदि प्लेन वेव फ्रंट आया इसे ऐसे डाइवर्ज कर देगा, यदि यहां पर इंसिडेंट किया इसे यू डाइवर्ज कर देगा।
यहां पे किया ये, तो बेटा जी चाहे मेरे पास क्वेश्चन प्लेन वेव फ्रंट का है तो ये डॉटेड लाइन होंगी, और ये बेटा इसके चारों तरफ क्या बनाएगा, ये स्फेरिकल वेव फ्रंट, क्या बनेगा बेटा एस डब्ल्यू एफ। तो यदि मैं कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पर रखता हूं तो प्लेन वेव फ्रंट, और कॉनकेव के फोकस पर रखता हूं तो स्फेरिकल वेव फ्रंट, क्योंकि एक कन्वर्जिंग होता है और दूसरा क्या होता है बेटा डाइवर्जिंग। अंजलि? यस सर। कोई दिक्कत बेटा? नो सर। सर ये जो डाइवर्जिंग, बेटा मैंने प्रॉपर्टी लिखाई थी कि कनकेव जो लेंस होता है वो हमेशा डाइवर्जिंग होता है। हाँ। और कॉन्वेक्स बेटा कन्वर्जिंग, इसने प्लेन को स्फेरिकल में बदल दिया, या बल्ब रखोगे तो स्फेरिकल को प्लेन में बदल देगा, ये प्लेन को स्फेरिकल में बदल देगा, यहां पर रखेंगे तो स्फेरिकल वेव फ्रंट जनरेट करेगा। ठीक है सर, अब आगे ठीक। तो बेटा बस मीटिंग डिस्कनेक्ट ही होने वाली है, ये 20 सेकंड के करीब है, और बेटा फिर नेक्स्ट क्लास में चैप्टर शुरू करेंगे बेटा। गुड इवनिंग। नमस्ते।